नमः शिवाय। आज के जन्मे जातक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे जातक स्थिर बुद्धि, धनवान, कृतज्ञ, मेधावी, सौम्य स्वभाव वाले, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, संगीत में रुचि रखने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पाने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो इनका जीवन पूर्ण सफल होगा। पारिवारिक रूप से खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष मजबूत है। मित्रों से लाभ की स्थिति बनी हुई है। सरकारी कामकाज के प्रति समय अनुकूल है। भाग्यवश अतिरिक्त धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। संतान के प्रति चिंता बढ़ी हुई रहेगी। शाम का माहौल खुशनुमा महसूस करेंगे। आज हर काम को कर लेने की जल्दबाजी बनी रहेगी। दिन भर का भाग दौड़ इसी चक्कर में लगा रहेगा। अपने समय के साथ स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज ना करें और एक एक काम क्रम से निपटाते जाएं। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अपने परिवार और बच्चों पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा के प्रति सम्मानजनक स्थिति बनेगी। आर्थिक और व्यावसायिक रूप से समय अनुकूल है। सरकारी कामकाज, कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। प्रयास करें, काम होगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। रास्ते में यदि कोई किन्नर मिलता है तो उपहार स्वरूप इसको कुछ भेंट करें। आज आपके राशि स्वामी चंद्रमा उच्च के चल रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी योग बना हुआ है। मानसिक उत्साह और शारीरिक ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। हर काम करने में मन लगेगा। परिवार बच्चों से भी सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। आज आपके लिए शाम तक का माहौल बिल्कुल अनुकूल बना रहेगा। आज अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपनी नई कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए करें। आज का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यह स्थिति आपकी सक्रियता पर निर्भर करता है। सरकारी विभाग और न्यायालय से संबंधित अनुकूलता बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने प्रयास को जारी रखें। आज आप कितना सफल होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने मित्र सहयोगियों और अपने शुभेच्छुओं से सहायता लेकर अपने काम को कितना अधिक से अधिक कार्य रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। आपके चारों तरफ का माहौल अनुकूल बना रहेगा। बस आपको अपने सकारात्मक कदम अपने रचनात्मक कार्यों के प्रति उठाना पड़ेगा। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। गाय को हरा चारा खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करते रहें। अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद को कार्य व्यवसाय के संदर्भ में मत शामिल करें, नुकसान हो सकता है। अपने दिल की जगह दिमाग से काम लें, किसी काम में बाधा नहीं आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बना हुआ है। मित्र सहयोगियों से भी सहयोग बना रहेगा। अपनी कार्य क्षमता को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कार्य योजनाओं में लागू करें, सफलता मिलेगी। घर परिवार में आज हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। पूरे दिन खुशहाली महसूस होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आपके प्रयास सार्थक होंगे। बस अपने मन के अंदर किसी तरह की आशंकापूर्ण
या भ्रमात्मक बात ना लाने। अच्छे कामों में पूंजी निवेश का समय चल रहा है। आज आपको मेहनत के अनुरूप सफलता कम मिल सकती है। मन में विचारों की कई श्रृंखला बनी हुई रहेगी, जिससे सार्थक निर्णय लेने में परेशानी महसूस करेंगे, जिस वजह से कार्य व्यवसाय की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। सही समय पर सही निर्णय लेते हुए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। आज आपके मन का अंतर्द्वंद कम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं। आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा। पत्नी का सलाह लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। अधिकारियों का सहयोग और कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। त्वचा से संबंधित संक्रमण या नसों से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सावधानी अपेक्षित है। हनुमान जी की आराधना करें और पीपल के पेड़ में जल डालें। परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल बना रहेगा। सामाजिक और गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान करने को मिलेगा। आर्थिक और व्यावसायिक रूप से समय अनुकूल है। संतान के प्रति शुभ समाचार मिल सकता है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। कुछ नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। प्रयास करें, सफल रहेंगे। आज आपका आत्मविश्वास आपकी सक्रियता का सार्थक पहलू बनेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। राजकीय सहयोग बना हुआ है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान के प्रति चिंता थोड़ी बनी रहेगी। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नित्य केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।